मेरी छतरी को क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? मैं मोहम्मद दानिश खान और आप लोग देखो मेरा यूट्यूब चैनल। आज मक्का मुकर्रमा में ओए होए क्या मौसम हो रहा है माशाल्लाह से। ये चेक करो, बारिश, पानी, काफ़ी देर तक बारिश हुई है और अब रुक गई, हल्की हल्की बूंदा पानी हो रही है, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह से। अभी हम लोग जा रहे हैं अरफात की तरफ, जबल रहमा में, इंशाल्लाह वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है उधर। अभी नाश्ता करते हैं फटाफट से, उसके बाद निकलेंगे इंशाल्लाह जबल रहमा की तरफ। माशाल्लाह से क्या खूबसूरत वेदर हो रहा है मीना में, काले बादल, हल्की हल्की बूंदा बांदी, जबरदस्त मौसम हो रहा है माशाल्लाह तबारक। नहीं लब को यारा नहीं ए रसूले अमी खातमल मुरसले। माशाल्लाह से इतनी तेज बारिश हो रही है जबल रहमत में, और इत्तफाक से मेरी गाड़ी के अंदर छतरी पड़ी हुई थी तो मैं बाहर निकल के आया, बाकी सब गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी की लाइटें बंद चल रही है, लाइटें बंद कर दूँ। माशाल्लाह से कितनी तेज बारिश हो रही है, पूरा पांव भूख गया मेरा। क्या खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह तबारक अल्लाह इस वक्त जबल रहमत। इन्होंने जबल रहमत पर जाने का रास्ता बंद कर रखा है, पता नहीं किस लिए। अभी लास्ट टाइम आया था तो ऐसी कोई बहुत रात आने की नहीं, लेकिन अभी पूरा रास्ता बंद हो, तेज हवा चल रही है। छतरी देखो कैसे लिए। मेरी छतरी को क्या हो गया? मेरा मोबाइल पूरा भीग गया है ना, मेरे घुटने तक भीग गई है बिल्कुल। इन्होंने रास्ता क्यों बंद कर दिया है समझ नहीं आ रहा, हालांकि होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ऐसी खतरनाक बारिश हो रही है यार, पीछे से आ रही है बारिश। ये देखें कितना साफ सुथरा पानी होके जा रहा है जबल रहमत से होते हुए। माशाल्लाह से सूरज नजर आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा, और अब हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदा बांदी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर में ओले भी गिर रहे थे इतने बड़े बड़े। हो ये मैं माशाल्लाह से मेरे बिल्कुल सामने जबल रहमत की पहाड़ी, माशाल्लाह से जबल रहमत की पहाड़ी के पास अल्लाह की रहमत बरस रही है। मेरा मोबाइल हो चुका है पूरा गीला, पता नहीं माइक सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने अपना एक्सटर्नल माइक निकाल दिया है, वो वाटरप्रूफ नहीं है मेरा, हालांकि मोबाइल मेरा वाटरप्रूफ था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से मौसम मक्का का इतना सुहाना हो गया, वो अगर आप देखें तो कैमरे की आँख से तो नज़र नहीं आएगा, वो पहाड़ी है उसके चारों तरफ जो है ना बादल नज़र आ रहा है, बादल घूमे हुए हैं, और ये देखिए इस पहाड़ी के ऊपर भी बादल ही बादल है। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है। इत्तफाक से मेरी गाड़ी के अंदर छतरी पड़ी हुई थी तो मैंने छतरी निकाल ली, और माशाल्लाह से अब मौसम जो है ना, सूरज भी निकल आया है, क्या खूबसूरत लग रहा है पहाड़ी के आगे बादल आए हुए। ये जबल रहमत और धूप भी निकल आई है माशाल्लाह से, खूबसूरत मौसम। इतनी देर से बारिश हो रही थी, पूरे रास्ते हम लोग आए रास्ते पूरे बारिश हो रही थी, जो अंडर पास था यहाँ पर उसमें पानी फुल भरा हुआ था। मेरा तो दिल धक धक कर रहा था कि गाड़ी यहाँ पे बंद हो गई ना, तो बहुत दूर है ये शहर से, मक्का से बहुत मुश्किल हो जानी है इधर। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी निकल के आ गई उधर से, और अब यहाँ पे देखें रश भी लगता जा रहा है, वरना कोई भी नहीं था अभी जब हम लोग आए थे। अगर आपको जबल रहमत की पूरी हिस्ट्री डिटेल्स के बारे में पता करना है तो मेरी वीडियो एक स्पेशली जबल रहमत के हवाले से बनी हुई है, वो आप वीडियो मेरी ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अब छतरी कर देता हूँ बंद क्योंकि बारिश रुक चुकी है। अभी यहाँ पे इतने सारे मोतमरीन लोग आ रहे हैं अपनी ज़्यारत के लिए जबल रहमत की, लेकिन इन लोगों ने बंद कर दिया, अफसोस। बहुत सारे लोग इतनी दूर से देख के वापस आ रहे हैं, वरना लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, वरना लोग जो है पूरी ऊपर टॉप पे ऊपर चढ़ते हैं, और ये पूरी जबल रहमत की पहाड़ी है। इसकी पूरी डिटेल जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, और इसकी जितनी भी जो इस्लामी हैसियत है वो सारी मैंने उसमें डिटेल में बताई है। अगर आपको इस पहाड़ी के बारे में जानना है तो मेरी उस वीडियो का विज़िट कर सकते हैं आप लोग।
लेकिन माशाल्लाह से मौसम इस वक्त इस कदर प्यारा हो रहा है ना इधर, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। वरना ऐसी गर्मी में ना यहाँ पे ज़्यादा देर रुका नहीं जाता, सुबह से बारिश हो रही है तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बहुत ही ठंडा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल धूप निकली है और अभी भी बादल मौजूद है। मेरे ख्याल से कोई इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया होगा जिसकी वजह से इन्होंने ये सब बंद कर दिया। अभी कुछ टाइम के बाद खुल जाएगा। एक चीज़ आपको दिखाऊं मैं, ये आपको जो पूरी बाउंड्री नज़र आ रही है ना, पूरे ब्लॉक्स वगैरह जितने भी हैं, ये लग रहा होगा ना आपको जैसे काले रंग के हैं, लेकिन इस पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, लिटरेली नाम लिखे हुए हैं। देखिए क्या हालत हो रही है छतों की, बिल्कुल वाइट कलर की ये टीन की छत है चादर, और लिख लिख के ये पूरी ब्लैक हो गई है, ब्लैक कलर। पेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। जितनी दूर तक आगे आगे जाऊँ आपको देखो सारे उस पर यही नज़र आ रहा है। ये अभी रमज़ानों में जो लोग आए होंगे ना, बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह से, सब ज़्यारतों पे आए होंगे, तो उन्होंने जब से ये बंद किया हुआ, मैं रमज़ानों में तो मेरा जबले रहमत का चक्कर नहीं लगा, लेकिन ये उन लोगों ने लिखा होगा सारे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अच्छा पहली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जब पहाड़ के ऊपर चढ़ा था, पहाड़ों के पत्थरों के बीचों मैंने इन अपनी तस्वीरें भी रख के गए हुए थे, फेंक के गए हुए थे। मतलब कोई उम्रे पे आता है तो उसके रिश्तेदार उनको तस्वीरें दे देते हैं और ख़त वत लिख के देते हैं कि ये जाके मेरी इस जगह फेंक देना, इस जगह रख देना। तो ये तो अल्लाह मियाँ को सीधा सीधा धोखा देने वाली बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे ये आइसक्रीम वालों और चीज़ वालों के ठेले तो अभी तक लगे हैं, क्योंकि लोग तो बहुत आ रहे होंगे कि लोगों को पता नहीं है कि जबले रहमत खुली हुई है या नहीं खुली हुई। यहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं, इस वजह से आइसक्रीम के और चीज़ों के ये जो ट्रक हैं ये खड़े हुए हैं। अभी हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं मीना के टेंटों के अंदर। ये दरवाज़ा खुला हुआ था जैसे, ये देखें माशाल्लाह कैसे फुली इन्होंने तरीके से बनाए हुए होते हैं, पूरे टाइल्स लगाई हुई इधर, और इसके साथ ही ये जिप्सम की बोर्ड लगा हुआ होता है। ये वाला सिस्टम तो अब पुराना हो गया, एयर कूलर वाटर पानी से जो सिस्टम चलता था अब ये नहीं चलता, लेकिन अब हर जगह पे ये जैसे वेंट्स लगा हुआ है, हर खेमे के हर कमरों के अंदर जो है एसी लगे हुए होते हैं। और माशाल्लाह से उस वक्त तो ये सीन देखने का होता है जब इतने सारे लोग होते हैं ना, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इधर अभी चलते हैं यहाँ अंदर, यहाँ के खेमे थोड़े VIP से हैं, ये लॉक्ड हैं माशाल्लाह से। ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए सारे, ये सब लॉक हैं अभी, ये VVIP टेंट्स हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे ना।